एप्पल की स्टॉप लॉस में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि स्टॉप लॉस जब है प्राइस और ट्रिगर प्राइस में डिफरेंस करता है। ट्रिगर प्राइस आखिर होता क्या है? तो ट्रिगर प्राइस से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, मार्केट निकल जाता है हाथ से और ये स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिगर प्राइस काम में आता है। ट्रिगर प्राइस है क्या कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो ये पहले ट्रिगर प्राइस को हिट करता है, फिर जाके इसको हिट करता है। यानी कि ट्रिगर प्राइस एक डिफेंस का काम करता है, यहाँ से जब मार्केट गिरेगा तो पहले ये हिट होना चाहिए। अब ये ही हिट क्यों होना चाहिए? अब ये जैसे ट्रिगर प्राइस हम लोग का 2640 है, सबका ट्रिगर प्राइस अगर यही होता है तो बहुत जनों का ट्रिगर प्राइस नहीं हिट होगा, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तो बहुत लोगों का फॉल्स हो जाएगा। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर ट्रिगर प्राइस हम लोग थोड़ा और ज़्यादा रखते हैं, यहाँ पे समझिए 50 पैसा कर देते हैं, तो 50 पैसा का ट्रिगर प्राइस सबसे पहले हिट होगा। यानी कि इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सबसे पहला एग्जीक्यूट मार्केट में किसका होगा? ऑर्डर जिसका ट्रिगर प्राइस ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी का मिस भी होता है आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका ट्रिगर प्राइस अगर एक्टिव हो गया तो आप, हाँ इंट्राडे में भी लगता है, तो आपका ऑर्डर वहाँ पे सबसे पहला प्लेस होगा। क्लियर हुआ?